पोएम की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पोएम का टाइटल है हैव यू एवर सीन, और इस पोएम में ना आपको होमोग्राफ्स का यूज़ हुआ है। होमोग्राफ इज़ अ वर्ड दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफर इन मीनिंग व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट आर कॉल्ड होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स का मतलब होता है जो ऐसा वर्ड जो देखने सुनने बोलने में एक जैसा हो लेकिन उसके जो मीनिंग्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट्स, डेट्स का मतलब खजूर भी होता है, और डेट्स हम जो दिन को काउंट करते हैं उसको भी कहते हैं। अभी हम पोइम के स्टैंजा देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर सेट, हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज। क्या तुमने कभी एक नदी तल पर एक चादर को देखा है, या फिर एक हथौड़े के सिर पर एक भी बाल? क्या किसी पहाड़ के पैर में पैर की उंगली है, और क्या बागीचे के पास भी मोजों का जोड़ा है? ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन पे आपको बेड जो होमोग्राफ है, जैसे कि बेड को आप पीस ऑफ फर्नीचर भी कहा जाता है, और बेड जो है एक नदी का किनारा है, बॉटम ऑफ अ रिवर भी है। ठीक है, तो सेकंड लाइन में देखते हैं हम जो यहाँ पर है, और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। तो हेड जो है वो हम हेड ऑफ अ पर्सन यानी किसी इंसान के सर को भी कहते हैं, और जो टैप को भी कहते हैं। हैमर्स हेड यानी जो हैमर हथौड़े का सर है उसको भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है आपका हैज़ द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज। यहाँ पर जो होमोग्राफ यूज़ हुआ है वो फुट, ठीक है, फुट जो है एक ह्यूमन का पैर भी है, फुट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, और जो इसका होमोग्राफ है वो द लोएस्ट पार्ट ऑफ अ माउंटेन, जो माउंटेन का जो किनारा मतलब नीचे जो नीचे का हिस्सा होता है उसको भी बोलते हैं फुट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका होज। तो होज जो है एक फ्लेक्सिबल पाइप भी है, जो लचीला नाली होता है उसको भी कहते हैं, और पैर ऑफ सॉक्स यानी मोजों की जो जोड़ी होती है उसको भी कहा जाता है। सेकंड स्टैंजा है आपका डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, व्हाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। क्या सुई कभी अपनी आँख झपकाती है, क्यों एक इमारत के पंख उड़ान नहीं भर सकते हैं, क्या आप एक छाते की पसलियों को गुदगुदी कर सकते हैं, या एक पेड़ के तने को खोल सकते हैं? पर जो सेकंड स्टैंजा की पहली लाइन है डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, जो नीडल है सुई है उसकी वो अपनी आँख झपका सकती है, क्या विंक यानी आँख मारना। तो यहाँ पर आई का होमोग्राफ है, जैसे आई को हम पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी का हिस्सा भी है इंसान के, और सेकंड हमें नीडल होल जो सुई में डालने वाला जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, जो खड्डा होता है उसको भी कहते हैं नीडल होल, उसको कहते हैं आई। ठीक है, आई ऑफ अ नीडल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई, जो बिल्डिंग के पर होते हैं वो क्यों नहीं उड़ते हैं, तो विंग यानी पर, तो यहाँ पर विंग का भी डबल मीनिंग यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ अ बर्ड्स बॉडी एंड सेकेंड मीनिंग इज अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिप्स, सेकेंड स्टैंजा की थर्ड लाइन जो है वो रिप्स है। तो यहाँ पर जो रिप्स है वो हमारी रीढ़ की हड्डी भी होती है, और कर्व्स ऑफ अम्ब्रेला जो तीली होती है ना, अम्ब्रेला छाते में जो तीली लगी होती है जिसकी सपोर्ट से छाता खड़ा होता है उसको भी कहा जाता है रिप्स। रिप्स जो होमोग्राफ यूज हुआ है, कर्व्ड बोन्स आर्टिकुलेटेड इन अ पेयर्स ऑफ द पेयर्स थ्रू द स्पाइन, ये रीढ़ की हड्डी हो गई, और जो इसका सेकेंड होमोग्राफ है वो कर्व्स ऑफ अम्ब्रेला है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है आपका और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन है या एक पेड़ के तने को खोल सकते हैं, तो यहाँ पर ट्रंक जो है वो ट्री ट्रंक है, पेड़ का तना है, और पार्ट ऑफ अ कार। ठीक है, इसको जो एक कार का जो हिस्सा होता है उसको भी कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है आपका थर्ड स्टैंजा, आर दी टीथ ऑफ आर रेक एवर गोइंग टू बाइट। ठीक है, रेक किसको बोलते हैं, जो गार्डन में यूज होता है ना, इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेक। एक रेक के दांत कभी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको तीत है वो तीत ऑफ अ रेक, मतलब जो इस जो आड़े डंडे के दांत होते हैं उसको भी कहा जाता है, और एक जो ह्यूमन तीत होता है उसको भी कहा जाता है। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, घड़ी के हाथ कभी बाएं या दाएं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको हैंड्स होमोग्राफ में यूज हुआ है, हैंड जो है पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी भी है, और यहाँ पर जो है हैंड्स ऑफ अ क्लॉक भी यूज हुआ है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है कैन दी गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क, बागीचे की जगह कभी गहरी और अंधेरी साजिश कर सकती है। तो यहाँ पर जो है प्लॉट स्मॉल एरिया ऑफ ग्राउंड यानी कोई जगह को बोलते हैं प्लॉट, और सेकंड इसका होमोग्राफ है प्लॉट ऑफ स्टोरी, कहानी की साजिश। ठीक है, नेक्स्ट आपका लास्ट लाइन है एंड वॉट इज द साउंड ऑफ द बीच बाक। ठीक है, तो ये लाइन का मतलब है और पेड़ की छाल की आवाज़ कैसी होगी।
ठीक है। तो यहाँ पर जो बार्क है वो साउंड ऑफ डॉग यानी जो डॉग भोंकता है, भोंकने को भी बोलते हैं बार्क। और सेकंड है हार्ड कवर ऑफ अ ट्री, जो झाड़ की जो मोटी लेयर होती है उसको भी बार्क कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि ये नॉलेज उन तक भी रहे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दबाए बेल आइकॉन, आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, तो यहाँ पर आपका वार्मिंग अप से क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको दिया है वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफर इन मीनिंग When used in different context are called homographs। यहाँ पर आपको homograph का explanation दिया है और examples दिए हैं। Temple fair attracts a lot of crowd। और second है her performance in the test was fair। तो पहला वाला जो meaning है temple fair यानी जो मेला लगा था मंदिर का, वो लोगों भीड़ जो है लोगों की जो भीड़ इकट्ठा करता है। और जो second line है आपका her performance in the test, उसने जो exam दिया था उसका जो performance था वो fair था यानी ठीक ठाक था। ठीक है, अ रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर, गुलाब है वो फूलों का राजा है। और जो नेक्स्ट लाइन आपका द सन रोज विद अ गोल्डन ग्लो, और जो सूरज कैसा उगता है सुनहरी रोशनी के साथ। होमोग्राफ्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जो सुनने लिखने बोलने में एक जैसे हों पर उसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन है थिंक ऑफ फाइव होमोग्राफ्स एंड लिस्ट देम बिलो, देन राइट टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग्स। तो आपको यहाँ पर होमोग्राफ और सेंटेंस बनाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सारे आंसर्स दिख रहे होंगे वन बाय वन, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं।